हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंडियन होम फूड। ये प्लेट देख के आप समझ गए होंगे ये कौन सी रेसिपी है। ये है दही भल्ले, जिसको देख के हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। इसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली थोड़े से ट्रिक के साथ मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। इसके साथ इसकी मीठी चटनी और इसकी हरी चटनी, ये दोनों चटनी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी दही भल्ले आपके बनेंगे। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम क्वांटिटी में उड़द की दाल भिगा दी थी। आप ये बहुत जल्दी हो तो गुनगुने पानी में 4 घंटे के लिए भिगा दें, या फिर एक नाइट पहले इसको भिगा दें। अब इसको मिक्सर के जार में डाल के मैंने इसका फाइन पेस्ट बना लिया। इसके पहले मैंने इसमें थोड़ी सी अदरक और 5-6 कली लहसुन और 3 हरी मिर्च इतनी चीज़ डाली और नमक, ये डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए और जीरा थोड़ा सा। अब मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 100 ग्राम के करीबन इमली भिगा दी। इसको गुनगुने पानी में भिगाएंगे, 10 मिनट में ये भीग जाएगी। जब तक हमारी इमली भीग रही है तब तक मैं हरी चटनी बताती हूँ। इसमें 3 हरी मिर्च, 3-4 कली लहसुन, थोड़ी सी धनिया पत्ती, 1/2 चम्मच जीरा और नमक, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी चटनी बना लीजिए। ये आपकी हरी चटनी तैयार हो गई। अब एक तरफ हमारी इमली भीग गई, अब इसको अच्छे से मैश करके छलनी से इसका पानी छान लें। इस एक बार छानने के बाद दोबारा भी इसमें थोड़ा सा पानी मिला के और अच्छी तरह से मैश करके इसको छान लें। इस तरह छलनी से छानने के बाद इसको अच्छी तरह से निचोड़ के थोड़ा और पानी मिला दें एक बार। ये दोनों बार छानने के बाद लगभग 1 गिलास के अंदाज से इसमें पानी होगा। अब इसको मैंने बॉईल करने रख दिया। जितनी बिना भिगाई हुई इमली हो उतनी ही क्वांटिटी में आप गुड़ डालें। अब इस बॉईल होने के बाद इसे मैंने गुड़ डाल दिया। अभी लो टू मीडियम फ्लेम में इसको धीरे धीरे बॉईल होने दीजिए। अब इसमें 1 चम्मच काला नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। जब तक हमारी चटनी पक रही है तब तक ये किसी भी दाल एक बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। अब दही भल्लों को सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए सबसे मेन इसमें होता है इस दाल को फेंटना। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको फेंटेंगे उतने ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी। अब इसे मैंने नमक डाल लिया, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, और 2 पिंच के अंदाज से मैंने हींग डाली। अब इसको बहुत अच्छी तरह से इसको फेंटना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम फेंटेंगे उतने ही आपके भल्ले सॉफ्ट बनेंगे। वैसे आजकल मिक्सी में पीसने या ग्राइंडर में पीसने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं मेहनत करनी पड़ती, सिलबट्टे में पीसी हुई दाल को बहुत ज़्यादा फेंटने में मेहनत पड़ जाती है। दाल इस कंसिस्टेंसी में रहे, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी। अभी हमारी दाल फेंट गई कि नहीं इसको चेक करने के लिए एक बाउल में मैंने पानी लिया और थोड़ा सा दाल पिसा हुआ उसके ऊपर ड्रॉप कर दिया। जैसे ये इसका ड्रॉप तैरने लगेगा इसका मतलब आपकी दाल बहुत अच्छे से फेंटी हुई है। अगर ये डूब जाए या अंदर चला जाए तो आप थोड़ा सा और फेंटिए। अब हमारी दाल तैयार है, इधर हमारी चटनी भी तैयार हो गई। ये इस तरह चटनी बनने के बाद अलग से इसमें शाइनिंग आ जाती है, और जितना हमने डालना था पकाने के लिए उससे आधा कम से कम पकने के बाद ये अपने आप इस तरह हो जाती है, ना ये ज़्यादा गाढ़ी रहे ना ज़्यादा पतली। अब एक कढ़ाई में तेल डाल के
अब इसमें मैं भल्ले निकालूंगी। भल्ले ज़्यादा करके गोल ही शेप में होते हैं। अब इसको एक एक करके इसमें ड्रॉप कर दिया। भल्ले हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम में ही पके, क्योंकि बहुत तेज़ आँच करेंगे हम तो ऊपर ऊपर पक जाएंगे और अंदर कच्चे रह जाएंगे। इसको ना हाई फ्लेम में पकाना है ना लो फ्लेम में पकाना है, मीडियम फ्लेम में ही पके। और इसको एक राउंड में पकने के लिए 6 से 7 मिनट का टाइम लगता है। बहुत हम धीमे धीमे आँच में पकाएंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा, बहुत तेज़ पकाएंगे तो बाहर की लेयर जल जाएगी और अंदर कच्चे रह जाएंगे। अब इसको पलटा लें। इस तरह ये आपके भल्ले तैयार हो गए। इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पकाने से ऊपर की लेयर टाइट हो जाती है, ये सख्त हो जाती है। अब ये हमारे भल्ले तैयार हैं। दूसरे राउंड की बची हुई दाल के मैं भल्ले निकाले ले रही, फिर मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। अब ये हमारे सारे भल्ले तैयार हो गए। 250 ग्राम क्वांटिटी दाल में इतने भल्ले हमारे बने। अब मैंने 250 ग्राम दही लिया, उसमें 2 चम्मच शक्कर और 2 चुटकी के अंदाज से नमक। दही हमेशा ताज़ा ही रहे और इसको अच्छी तरह से फेंट लें। बहुत खट्टा दही भल्ले के साथ अच्छा नहीं लगेगा। अब इसको सर्व करने के पहले इसको 10 मिनट पहले इसको पानी में भिगा दें, जिससे अंदर एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो जाते हैं। और ये देखिए कितने जालीदार और बिल्कुल सॉफ्ट भल्ले बने हैं। जब तक हमारे भल्ले भीग रहे हैं आप इसको देखिए, बिल्कुल जालीदार और अंदर तक पक गए हैं बिल्कुल। अब जब हमको सर्व करना है तो इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ के और एक प्लेट में इसको डिश आउट करें। पानी में भिगाने से ये अंदर बिल्कुल जूसी हो जाते हैं और तुरंत सर्व करके इसको खाया जा सकता है। अब इसमें एक प्लेट में निकाल के अब इसमें दही डालें, ऊपर से मीठी चटनी, हरी चटनी और थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च। ये आपकी दही भल्ले खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम जूसी और बहुत ही मुलायम, जो कि मुंह में घुल जाने के बिल्कुल टेस्ट में। आप इसी तरह से बना के देखिए और फिर मुझे बताइए कमेंट करके कि जिस ट्रिक में मैंने बनाया है आपने अगर उसी तरह से बनाया है तो उसी तरह से बने हैं या नहीं। और इसको खाइए, अपने गेस्ट आए उनको खिलाइए या किसी त्यौहार में बनाइए, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ इंजॉय करिए। अगर मेरी बनाई हुई डिश आपको पसंद आए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब ये हमारे दही भल्ले खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इस तरह से इसको गार्निश करके और इस तरह सजा के इसको सर्व करें, आपका भी मन भरेगा और आपके जो गेस्ट होंगे या फैमिली मेम्बर होंगे वो भी खुश हो जाएंगे। थैंक यू।